एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो गाइस, अपने सोशियोलॉजी के करंट अफेयर की सीरीज में हियर आई एम विद द टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 1 में हम लोगों ने मेनल्स की बात की थी, एंड इन टॉपिक नंबर 2 वी विल टॉक अबाउट द लेबलिंग थ्योरी। ये मैंने बोला था कि हम पर्टिकुलरली डे वाइज नहीं कर रहे हैं, इस दिन ये न्यूज़ थी, इस दिन ये न्यूज़ थी। वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर ऑफ द 1 or 2 years बैक की बात करेंगे हम लोग। अब कहीं ना कहीं हम इसे एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं, कहीं वर्ड आए तो हमारे माइंड में होनी चाहिए चीज़ें। सो आई थिंक दिस सीरीज विल हेल्प यू समहाउ। बाकी तो आप लोगों के कमेंट पर डिपेंड करता है कि इट इज़ हेल्पिंग और नॉट, और एक इनिशिएटिव जो है ये लिया गया वो कितना बेटर है कितना नहीं, दैट विल टोटली डिपेंड ऑन योर कमेंट। सो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट कि कितनी चीज़ें बेनिफिशियल हैं और नहीं है। सो आप लोग वीडियोस देखिए गाइस, मैं कुछ 10-12 वीडियो के बाद आप लोगों के साथ कुछ आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन शेयर करूंगी। इफ पॉसिबल देन आप लोग उसको आंसर राइटिंग करके मुझे सेंड कर सकते हैं, ट्रस्ट मी दैट विल हेल्प यू। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग बात करते हैं लेबलिंग थ्योरी होती क्या है। होती क्या, इससे पहले कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि लेबलिंग थ्योरी जो थी वो डेवलप की गई थी 1960 में सोशियोलॉजिस्ट के थ्रू। ठीक है, अब क्या था यहाँ पे, आपके हॉवर्ड सॉल जो बेकर हैं, इन्होंने अपने बुक थी एक आउटसाइडर, जिसमें इन्होंने इस थ्योरी के बारे में बात की थी, कॉन्ट्रीब्यूट करा था इस थ्योरी के लिए। अब कुछ आसान सी भाषा में मैं आपको लेबलिंग थ्योरी बताती हूँ। देखो कई बार क्या होता है, आप कुछ लोगों को ऑब्जर्व करते हो, जहाँ पे आप रह रहे हो आप देखते हो कि समटाइम्स शाम के समय कुछ लड़के जो हैं, 4-5 लड़के वो बाहर आके खड़े हो जाते हैं, दे टॉक, दे स्मोक, एंड जस्ट कि वो खड़े रहते हैं बिल्कुल। अब इमेज क्या बन गई है, अब आपके घर वालों ने या आपने खुद ने क्या लेबल कर दिया है कि दे आर आवारा। जनरली वर्ड हम लोग यूज करते हैं, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट जनरली वर्ड क्या यूज किया जाता है कि आवारा बच्चे हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अब चाहे उनमें से चारों में से बच्चे चारों के चारों यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और वो वहाँ खड़े होकर कुछ ना कुछ न्यूज़ डिस्कस करते हो, आर्टिकल डिस्कस करते हो, बट हमारे माइंड में क्या इमेज बन गई है, दे आर स्टैंडिंग आउटसाइड, दे आर टॉकिंग एंड दे आर वेस्टिंग देयर टाइम एंड दे आर स्मोकिंग, दैट्स व्हाई हमने उन्हें लेबल दे दिया कि दे आर आवारा। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक से एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपने उन्हें क्या दे दिया, आपने उन्हें लेबल दे दिया। ठीक, इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपके घर में, आपके फैमिली में दूर दूर तक आप एक आदर्श, एक आइडियल बच्चे हो कि भाई वो बच्चा बहुत अच्छा है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो घर के कामों में एंगेजमेंट रखता है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है, पेरेंट्स से बहुत अच्छे से बात करता है। तो आपके ऊपर क्या है, आपके ऊपर एक लेबल बन गया है ये। अब अगर इनकेस आप कई बार आप क्या होता है, आप रिजल्ट अच्छा नहीं ला पा रहे हो या आपका पढ़ाई से मन हट रहा है, तो हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, यार इतनी जगह लेबलिंग हो रखी है मेरी एज अ गुड स्टूडेंट और एज दिस एंड दैट, तो अगर ये चीज़ हो गई तो मेरा जो लेबल है वो खराब हो जाएगा। राइट, तो लेबलिंग की वजह से भी कई बार आपका बिहेवियर जो है वो लेबलिंग, जो आपको लेबल मिल रखा है उससे भी आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। अब लेबल जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी की पॉजिटिव लेबलिंग भी कर सकते हो और आप नेगेटिव लेबलिंग भी कर सकते हो। समटाइम आपने किसी को पॉजिटिव लेबलिंग कर रखी है तो वो उसके बिहेवियर को पॉजिटिव करने में, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में उसकी हेल्प करता है। वही नेगेटिव लेबलिंग जो है वो नेगेटिव काम भी कर सकती है। अब आपने किसी को चोर बोल दिया, आपने किसी को आवारा बोल दिया, तो अब वो किसी को परेशान भी कर दे तो आपने तो ऑलरेडी उसकी इमेज आवारा जैसी सेट कर रखी है ना। ठीक है, अब आपने किसी को, किसी पे चोरी का इल्जाम लगा ही दिया है, चोर बना ही दिया है, तो वो चोरी कर भी ले तो क्या बड़ी बात हो जाएगी फिर। वो जब एक बात वो ये होगी ना, एक खून की सजा भी फांसी है और दो खून की सजा भी फांसी है। तो यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट वर्क करता है कि आपकी नेगेटिव लेबलिंग कई बार क्या होती है, नेगेटिव वर्क भी कर सकती है और वो थोड़ा सा क्रिमिनल बिहेवियर को बढ़ावा दे सकती है। सो दिस इज द थिंग, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में क्या वर्ड टू वर्ड चीजें। लेबलिंग थ्योरी क्या कहती है कि सेल्फ आइडेंटिटी एंड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी होती है और बिहेवियर होता है वो, दैट मे बी डिटरमाइन ऑन इन्फ्लुएंस, वो सेट किया जाता है और प्रभावित होता है बाय द टर्म यूज टू डिस्क्राइब और क्लासीफाई देम, कि उनको क्लासीफाई करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए क्या वर्ड, क्या टर्म यूज की जा रही है। तो जो बिहेवियर होता है ह्यूमन बींग का, ये इन्फ्लुएंस होता है अदर मेंबर्स इन द सोसाइटी लेबल देम, कि किस तरीके से जो बचे हुए मेंबर है सोसाइटी में वो उन्हें लेबल कर रहे हैं, इस तरीके से इंडिविजुअल का बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसमें बहुत सारे सोशल बिहेवियर जाते हैं, लाइक डेवियंट क्रिमिनल बिहेवियर। मैंने बोला नेगेटिवली जो आपकी नेगेटिव लेबलिंग है, समटाइम वो क्रिमिनल बिहेवियर और इलीगल एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा दे सकती हैं। जैसे कि आपने क्रिमिनल, सोसाइटी ने किसी को क्रिमिनल का क्या कर दिया, लेबल दे दिया, इंगेज मोर इन, तो वो क्या होगा, वो क्रिमिनल एक्टिविटी में कई बार इस रीजन से ज्यादा इंगेज हो सकता है। पॉजिटिव लेबलिंग की बात की जाए तो पॉजिटिव लेबलिंग पॉजिटिव बिहेवियर में काउंट की जाती है। क्लियर, अच्छा थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं। देखो आजकल आप देख रहे हो कि वुमेन्स जो है अपने राइट का कई हद तक मिसयूज कर रही हैं। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी वन, सो डोंट गेट ऑफेंडेड बाय दिस। कुछ वुमेन्स अपने राइट का जो है वो मिसयूज कर रही हैं। दे आर लाइक मैरिज के बाद, आफ्टर सेपरेशन, दे आर पुटिंग द रॉन्ग और फॉल्स एलिगेशन ऑन द मैन।
इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब मेजरली जो वुमेन केसेस कर रही हैं उसमें चार बातें सच हैं, तो उसमें से कुछ बातें जो हैं वो फॉल्स एलिगेशन भी लगाई जा रही हैं ऑन द मैन. तो अब आप डोमेस्टिक वायलेंस आपके साथ नहीं हुई, बट इन ड्यूरिंग द सेपरेशन आपने केस में मेंशन कर दिया कि डोमेस्टिक वायलेंस हुई है. तो अब वो पर्सन कई बार क्या होता है, आपने नेगेटिव लेबलिंग कर दी, समाज में आपने दिखा दिया कि भाई मेरी तो बहुत, मुझे पीटा गया है, बहुत टॉर्चर हुई हूँ मैं, आप पे एक बार भी हाथ नहीं उठाया गया. अब क्या होगा, वो पर्सन सोचेगा जब केस चल रहा है, जब मुझे भुगतना है, जब मुझे परेशानी रहना है, तो अगर मुझे गुस्सा आया तो व्हाई डोंट पुट द फ्रस्ट्रेशन, मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन को इसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस करके या हाथ उठा के क्यों ना निकाल लिया जाए. तो समझे आप किस तरीके से नेगेटिव जो आपका लेबलिंग है वो कई बार नेगेटिव या क्रिमिनल या इलीगल एक्टिविटीज को भी इंक्रीज कर सकता है. सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा. वी टॉक अबाउट द लेबलिंग थ्योरी. दिस इज द टॉपिक नंबर 2 ऑफ द सोशियोलॉजिकल करेंट अफेयर. वेरी सून विल मीट विद द अदर करेंट अफेयर. आप किसी टॉपिक पे चाहते हो कि वीडियो बने, कोई करेंट अफेयर का टॉपिक आपके माइंड में है, सो यू गाइज कैन मैंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.